हेलो गाइस, वेलकम टू माय वेरी 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 न्यू व्लॉग, क्योंकि 4 से 5 महीने हो गए हैं उसके बाद मैं आज व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। शॉर्ट्स वीडियो डाल रही थी लेकिन व्लॉगिंग आज स्टार्ट कर रही हूँ। तो बताइए आप लोग कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, है ना। और अपना तो क्या बताऊँ मैं आपको, मैंने आप लोगों को अपडेट दे ही दी थी कि मैं दिल्ली शिफ्ट हो चुकी हूँ। और दिल्ली शिफ्ट होने के बाद मेरी लाइफ में इतनी उथल पुथल मची रही कि ब्लॉगिंग छोड़िए, ब्लॉगिंग को सोचने का टाइम ही नहीं मिला मेरे को। क्या उथल पुथल चल रही थी, क्या चल रहा था, वो मैं आपको धीरे धीरे बताते रहूँगी, क्योंकि अब तो मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी दी है। तो आज की ब्लॉगिंग हो रही है मेरी मॉर्निंग से स्टार्ट। अभी मैं सो के उठी हूँ, चाय वगैरह मैंने पिला दी है और देखो आपको शीशे में दिख रही है। मैं आपको दिल्ली की अपनी ज़िंदगी दिखाती हूँ कि दिल्ली के 2 कमरों में हमारी ज़िंदगी कैसे कट रही है। इससे पहले आपने ब्लॉग देखे होंगे मेरे अपने घर के, काशीपुर के, उत्तराखंड काशीपुर के। और आज से आप मेरे ब्लॉग देखोगे दिल्ली से, मेरे छोटू से घर के, है ना। चलो चलते हैं। गुड मॉर्निंग विभा दीदी। तो ये देखिए दीदी उठ के बैठ गई हैं। तो दीदी का सेटअप यहाँ लगा हुआ है और दीदी ने शीशा बिल्कुल अपने सामने लगवा रखा है। दीदी ने शीशा बिल्कुल कि मेरे सामने रहना चाहिए शीशा। और ये देखिए इधर सो रहा है मेरा गोलू, ये देखो इधर गोलू सो रहा है इसके साथ। इसको देखो एक चाहिए ये पिलो पैर के नीचे रखने के लिए, एक चाहिए ये पिलो अपने पास में दबोचने के लिए, ठीक है। चलो बाहर चलते हैं, बाहर क्या है। और ये देखिए आपको बड़े टाइम बाद, बहुत ही टाइम बाद। चलो मम्मी, यहाँ लोग बोल रहे हैं कहाँ गई, जरा हेलो गुड मॉर्निंग कर दो। मेरे पति देव भी बैठे हुए हैं यहाँ लेकिन वो कह रहे हैं मुझे मत दिखाना है अभी, ठीक है। ये देखिए छोटा सा किचन, बर्तनों का लगाया ढेर, चाय मैंने बना के पिला दी है, मेरा पानी रखा हुआ है, जीरे अजवाइन का पानी रखा हुआ है मेरा, ये बॉयल हो रहा है। तो इतनी लेट ब्लॉग करने का बहुत कुछ रीज़न थे जो मैं आपको धीरे धीरे बताती रहूँगी। मैंने कहा चलिए अब थोड़ी लाइफ सेटल हो रही है तो अपना ब्लॉगिंग पे ध्यान देते हैं। शॉर्ट्स वीडियो में डालना स्टार्ट कर दिया था, अभी एक हफ्ते से मैं शॉर्ट्स वीडियो डाल रही थी, बाकी पता नहीं किस्मत में क्या है, क्योंकि जब भी मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश करती हूँ कुछ ऐसा हो जाता है कि मुझे वो काम छोड़ना ही पड़ता है। अच्छा खासा ब्लॉगिंग चैनल चल रहा था मेरा, सब्सक्राइबर भी गेन हो रहे थे, व्यूज़ भी अच्छे आ रहे थे। उम्मीद थी कि 1 साल के अंदर मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, लेकिन अभी 2 साल होने को आ गया, सब कुछ ख़राब हो गया। चलिए कोई बात नहीं, दोबारा से मेहनत करते हैं। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा मेरे व्लॉग्स। आज से व्लॉग स्टार्ट करने का रीज़न कुछ खास है, क्योंकि अब आपको मेरे व्लॉग्स में कुछ नया नया देखने को मिलेगा। फ़िलहाल तो अभी आपको मेरे ट्रैवल व्लॉग मिलेंगे। आदत छोड़ गई कैमरा पकड़ने की तो मेरा हाथ बहुत दुख रहा है। अब हम भरेंगे ये हुक्का, हुक्का भरेंगे। ये आदमी बैठ चुके हैं देखो हुक्का पीने के लिए तैयार हो गए, अपने अमिताभ बच्चन जैसे बाल। ये देखिए गाइस हुक्का भरने के लिए, यहाँ चूल्हा तो है नहीं है कोयलों के लिए, तो कोयलों में कितनी गैस होती है हमारी वेस्ट। ये देखिए गैस क्या चल रही है, गैस। ये मुझे गुस्सा कर रही है कि आप हुक्का क्यों दिखा रहे हो दादी का, तो दादी का, दादी जब पीती है तो क्या हो? ये देखो इसने मुझे भगा दिया धक्का मार के। दिखा देना, ये देखो विभा जीन्स लाई है, दिखा नहीं रही है अब। ये कल लाई है अपने लिए जीन्स, मैंने कहा एक साइज बड़ा ले आती तो मैं भी पहन लेती। हेलो, देखो विभा मुझे कुछ दे रही है, ना दे पहना दे। ये विभा मुझे दे रही है एक ब्रेसलेट, कितना मिनिमल अच्छा सा,
कभी कभी इसको मेरे में प्यार आ जाता है तो ये मुझे कुछ दे देती है अपने खजाने में से निकाल के। और ये देखिए हमारे वीके बाबू कितने कमजोर हो गए हैं। ये बहुत कमजोर हो गए हैं पता है, ये बीमार चल रहे हैं, बीमार बीमार आदमी हो गए। देखिए कितने कमजोर हो गए हैं, देखिए पेट भी देखिए, इनके सारे कपड़े ढीले हो गए हैं। अभी विंसी के कपड़े पहन रहे हैं, डबल एक्सेल पहनता था, अब मैं एक्सेल लार्ज पहन रहा हूँ, नॉर्मल लार्ज। डबल एक्सेल से लार्ज साइज हो गया है, अब बेटे के कपड़े पहन रहे हैं लार्ज, क्या करना। ये है मेरे चंगू मंगू, ये जा रही है कोचिंग। हाँ बता विंसी, बता क्या हुआ। हाँ बोल रहे, बड़बड़ कर रहा है ये, बड़बड़ कर रहा है, कह रहा है कि एसी वाला 26 पे कर देते हो। सुन आज इसके बाल कितने अच्छे हो रहे हैं देखो। हाँ आज इसने अपने बाल स्टाइल किए है, शर्म आ रहा है इसको, देखो मुझसे भी लंबा हो गया ये। चलो दिखा दे हीरो विंसी, देखो हीरो। तो चलिए बीमार आदमी को दे देते हैं थोड़ा फ्रूट खाने के लिए, बीमार आदमी बेचारा खा लो। देखो कितने कमजोर हो गए हैं ना ये बीमार आदमी, 84 से 76 हो गया इनका वेट। पहले था इनका कमरा, अब बन चुकी है कमरिया। ये भी साइज कम आ गया, कहाँ ये भी ढीली आ गई गाइस। इससे मैं क्या करता हूँ, आप बताइए कैसी लग रही है इनको। तुम्हें 34 आना था पता है, 34 आना था, ये भी तुम्हारा बड़ा ही हो रहा है। और अब मैं जा रही हूँ दोपहर का लंच बनाने के लिए, तो मिलती हूँ आपको मैं लंच बनाने के बाद। लंच ये मेरा गोलू, ये छुप जाता है, ये मेरा गोलू छुप जाता है बार बार। तो लंच मेरा बन गया था, फटाफट लंच बनाया इसलिए मैंने दिखाया नहीं, सब लोगों ने खा लिया है। अब मैं जा रही हूँ खाने के लिए, ये है मेरा दाल चावल दही अचार हरी मिर्ची कद्दू की सब्जी। तो आ जाइए आप लोग मेरे साथ लंच करने के लिए। मैंने कद्दू बनाया था ना, सबके सब बोल रहे थे हमने खाएंगे कद्दू, हमने खाएंगे। खाने के बाद जब टेस्ट लगा ना लोगों को, पूरी सब्जी खा ली लोगों ने। तो चलिए मैं खाना खा लेती हूँ, मिलूंगी आपसे अब शाम को चाय पे। और शाम का समय हो गया था और अचानक से यहाँ आ गई है बारिश, तो इसीलिए यहाँ 2-3 दिन से इतनी गर्मी हो रही थी ना, तो आज बारिश हो गई। ये देखो मैं और मम्मी ले रहे हैं बारिश के यहाँ नज़ारे।
बाकी हमारे तीनों जा रखे हैं बाहर, अभी तक बारिश में फंसे होंगे तीनों। हम दोनों घर में हैं, बाकी तीन बाहर हैं। आज बारिश हो गई ना, कल फिर से बहुत गर्मी हो जाएगी। एक आदमी तो आ गया, हमने तो देखा ही नहीं तुम्हें। ये देखिए, ये तो आ गए भीग के। कैसे आए तुम भीगवा के? भाई बीबू अब इनसे तो बीबू फंसी हुई है। कहाँ? साकेत। तो आज का व्लॉग देखा आप लोगों ने मेरे साथ सुबह से लेकर अभी तक। अब मैं बनाऊंगी रात का डिनर। डिनर बनेंगी हमारे यहाँ अलग अलग तरह की चीज़ें, तो और जल्दी जल्दी बनाना मुझे, क्योंकि बच्चे घर में आने वाले हैं, उनको लगी रहेगी भूख। तो अभी मैं रिकॉर्डिंग नहीं करूँगी इसके आगे, मैं कर देती हूँ एंड ब्लॉग का। और आज का ब्लॉग बनाने का मेन रीज़न यही था कि मैं बताना चाह रही थी कि अब मेरे ब्लॉग आपको मिलेंगे कंटिन्यू। तो बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। जो मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, मेरे पुराने ब्लॉग्स देखिए, क्योंकि पुराने ब्लॉग्स मेरे अलग जगह के हैं, मेरे होम टाउन के, मेरे घर के, और ये ब्लॉग्स मेरे शिफ्ट हो गए मैं जहाँ वहाँ के। तो ठीक है, इसी के साथ बने रहिए आप लोग सब मेरे साथ। घरवाली ब्लॉगर शोभा, अपना प्यार बनाए रखिए, सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, गुड नाइट।